ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो फ्लटर है उसमें हम लोग थीम को कैसे खुद का थीम डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो थीम लिखा हुआ है इसका क्या यूज रहता है। जैसे कि अगर आपने जब भी पहली प्रोजेक्ट भी बनाया होगा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ आता है। तो हम लोग आज पूरी तरह से थीम के बारे में समझने वाले हैं कि थीम होता क्या और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, थीम को सही से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं माई थीम डॉट डाट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर, और यहाँ पे लिखूँगा लाइट थीम इक्वल टू थीम डेटा बस लिखो। ठीक है, अब देखो मैंने वैसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हौच पोच नहीं करना चाहता मैं। देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि थीम जो है वो एक थीम डेटा ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसमें थीम डेटा डाल दिया, ताकि जब ये चीज़ें मैं वहाँ पे डालूँ यहाँ पे तब वो आराम से ले ले, इसको सिर्फ इम्पोर्ट कर दूँ, बस उसका काम हो जाएगा। अब मैंने थीम में लाइट थीम डाल दिया। ओके, अभी मैं समझाता हूँ कि थीम करता क्या। तो थीम जो है वो आपकी जो ऐप होती है उसमें आप कौन कौन सी कलर रखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मटेरियल, ओके, थ्री मटेरियल थ्री को मैं यहाँ पे ओपन करूँ अगर, और यहाँ पे मैं स्टाइल के अंदर कलर के अंदर डायनेमिक कलर नहीं, यहाँ पे नहीं, ओके, तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो ये अभी जो पूरी जो सिस्टम है, जो पूरा ये वेबसाइट है वो डार्क थीम पे है। ठीक है, डार्क थीम में इसका कलर इस तरह से है, ये इसका फॉन्ट इस तरह से है। ठीक है, नीचे आओगे तो इसका कलर इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरी जो ऐप है, जो वेबसाइट है, वो पूरा लाइट थीम में चेंज हो जाता है। तो थीम यही काम करता है कि वो दो कलर को या दो से ज़्यादा अगर थीम बनाना चाहते हो तो अलग अलग कलर को वो कंटेन करके रखता है, और जैसे आप चाहो वैसे चेंज कर पाओगे। ठीक है, एक थीम के अंदर बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि डार्क थीम है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो डार्क थीम में सबसे पहले वेबसाइट का एक बैकग्राउंड है जो कॉमन रहेगा, सभी जगह वो बैकग्राउंड रहेगा। फिर उसके बाद इधर का कुछ कलर और है, तो इसको मान लो मैं लिख देता हूँ कंटेनर कलर है ये। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी कंटेनर कलर ही हो जाएगा। ये जो हमारा ब्लू कलर है ये हम लोग प्राइमरी कलर मान लेंगे। फिर फॉन्ट कलर का कुछ कलर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉन्ट की कलर जो है वो वाइट कलर की है, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ लाइट ब्लू कलर की कलर है, यहाँ पे लाइट रेड कलर की कलर है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि एक अगर हम लोग का डार्क थीम है तो उसमें कौन कौन सी कलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कलर मैंने बताया, जैसे बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर, कंटेनर कलर और प्राइमरी कलर और फॉन्ट कलर, तीन कलर मैंने बताया। वो ध्यान देना कि अभी कौन कौन सी कलर का है। अब वही सेम कलर अगर मैं लाइट थीम में करूँ तो यहाँ पे देखो डिफरेंट हो जाएगा। अभी जो बीजी कलर है यानी बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट हो गया, और कंटेनर कलर हमारा लाइट ब्लू हो गया, और यहाँ पे भी जो प्राइमरी कलर था वो भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कलर को हम लोग चेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ थीम से। ठीक है, ये थीम की मदद से हम लोग इस तरह से की चीज़ें कर पाएंगे। अगर थीम हमारे पास नहीं रहे तो उस तरह की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तभी जैसे कि मैंने लाइट थीम डिफाइन किया, तो अब हम लोग देखते हैं कि लाइट थीम में क्या होता है। अब यहाँ पे थीम डेटा मैंने लिखा, अब सेम टू सेम मैं यहाँ पे एक डार्क थीम भी कर देता हूँ। ओके, तो डार्क थीम भी मैंने कर दिया। अब देखो दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तो सेम ही है, तो अब ऐप को कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है, सिर्फ लिखने से तो नहीं पता चलेगा। तो उसको डार्क और लाइट करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस डॉट लाइट अगर लिखोगे तो ये जो पोर्शन है, ये जो हमारी लाइट थीम है, ये लाइट हो जाएगी, और अगर ब्राइटनेस डॉट डार्क लिखोगे तो ये जो हमारी थीम है वो डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने से ही हमारी थीम डार्क और लाइट हो जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल सा ये वाली ऐप को रन करवा के दिखाऊं,
तब आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग को कौन सी इफेक्ट अभी मतलब कौन सी इफेक्ट हम लोग के पास आ रही है सिर्फ इतना लिखने से। एक बार ऐप को रन होने जाने देते हैं। ओके, तो ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अभी देखो हम लोग ने इसको में लाइट थीम लगाए थे। अभी अगर मैं इसको डार्क थीम पे चेंज करूं और सेव करूं तो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हम लोग ने वेरिएबल बना के कलर को डाला है तो ये काम करते हैं कि हम लोग एक अलग से पेज बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेमो पेज डॉट डॉट stl, डेमो पेज स्कैफोल्ड बॉडी, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर में चाइल्ड लिखकर मैं एक बटन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट और बटन लिख देते हैं। अब ये जो डेमो पेज है वो मैं अपनी मेन डॉट डॉट के अंदर कॉल कर दूंगा, ताकि हम लोग को उसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे डेमो पेज। ठीक है, अभी अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हमारे पास अभी डार्क थीम में ये हमारा आ रहा है। अगर मैं इसको लाइट थीम पे चेंज करूँ तो यहाँ पे देखो लाइट थीम हमारा हो जाता है। डार्क थीम और लाइट थीम हम लोग यहीं से कर सकते हैं, लेकिन अभी दिक्कत ये आती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे डार्क हो रहा है तो ये हमारा बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का हो रहा है, और हमारी जो कलर है बटन का वो इस तरह से हो रहा है। लाइट थीम में जब करते हैं तो यहाँ पे लाइट हमारा बैकग्राउंड है वो लाइट इस तरह से हो जा रहा है, बटन की कलर भी वही रह रहा है। अब क्या होता है कि ये जो कलर्स हैं वो प्री डिफाइन होती है, और किसके तरफ से, तो फ्लटर की तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आएँ और एक चीज़ और यूज करेंगे, यहाँ पे देखो मैं यूज करता हूँ यूज मटेरियल थ्री ट्रू। अगर जैसे ही मैं मटेरियल थ्री को यूज करता हूँ और एक बार इसको डार्क थीम करते हैं और इसको ऐप को एक बार रिस्टार्ट करते हैं, ताकि जब भी थीम में आप चेंजेस करोगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एक बार सेव करने से आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा ऐप को। जब भी आप थीम में चेंज करोगे तब आपको ऐप को रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक हमारा ऐप रिस्टार्ट हो चुका है। यस, अगर अभी देखो अभी ध्यान से देखना कि हमारी जो ऐप है वो इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, डेमो पेज के अंदर आकर मैं एक ऐप बार बना लेता हूँ, ताकि आपको चेंजेस पता चले कि मटेरियल थ्री आखिरकार करता क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे एक ऐप बार बना दिया और यहाँ पे एक बटन है। अब देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे लाइट थीम के अंदर मैंने मटेरियल थ्री को यूज़ किया, लेकिन डार्क थीम के अंदर मटेरियल थ्री को यूज़ नहीं किया है, ताकि आपको पता चले कि आखिरकार मटेरियल थ्री में क्या डिफरेंस है। ये देखो ये विदाउट मटेरियल थ्री का यूज़ करके हम लोग ने ये वाली जो यूआई है वो बनाया है। अगर मैं लाइट थीम को यूज़ करूँ जिसमें मटेरियल थ्री पहले से है, तब देखो हमारी जो बटन है उसका जो लेआउट चेंज हो चुका है। पहले पहले क्या था कि बटन की जो लेआउट थी वो पूरा सर्कुलर था, और हमारा जो ऐप बार है उसकी भी लेआउट यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब एक बार आपको अगर डिफरेंस नहीं पता चला तो देखो डार्क थीम में फिर से यूज करता हूँ। अभी ध्यान देना कि हमारी जो ऐप है वो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं एक बार ऐप को रीस्टार्ट करूँ इसके अंदर भी यूज़ मटेरियल थ्री ट्रू करके, डार्क थीम में भी हम लोग मटेरियल थ्री को यूज़ कर लिए। अब ऐप को रीस्टार्ट करते हैं एक बार, और अब देखो जो हमारी डार्क थीम है वो किस तरह से लग रहा है। देखो बटन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ऐप बार का जो एक शेडो आ रहा था वो भी पूरा तरह से चला गया। तो मटेरियल थ्री जो है हम लोग को कुछ ज़्यादा अच्छा कर देता है यूआई को। ठीक है, उसमें ज़्यादा हम लोग को कस्टमाइजेशन नहीं करना पड़ता। जैसे कि आजकल क्या होता है, राउंडेड बटन की जो ट्रेंड है वो चल रही है, इस तरह की राउंडेड कॉर्नर वाली। ठीक है, एकदम शार्प कॉर्नर वाली बटन ज़्यादा नहीं चलता है, तो इसीलिए इस तरह की हम लोग को यूज मटेरियल थ्री में, मटेरियल थ्री जब आया था उसी टाइम से ये हो गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि और हम लोग कि थीम के अंदर क्या कर सकते हैं। तो थीम के अंदर अगर मैं यहाँ पर लाइट थीम ही कर लेता हूँ, लाइट लाइट थीम,
अब लाइट थीम के अंदर मैं यहाँ पे अगर ऐप बार करूँ, ऐप बार थीम, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप बार थीम। अब ये ऐप बार थीम क्या करता है, तो आपकी जो ऐप के अंदर ऐप बार डाला हुआ है, ये देखो ये मैंने ऐप बार लगाया था, तो उसका ये मतलब कि किस तरह से वो रहना चाहिए वो डिफाइन करेगा। तो मान लो कि मैं ऐप बार का जो बैकग्राउंड है वो कलर्स डॉट मैं लिख देता हूँ डीप पर्पल, ठीक है, और उसका जो कलर है यानी टाइटल की जो कलर होगा कलर्स डॉट वाइट कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि उसकी जो टाइटल है वो सेंटर टाइटल ट्रू रहेगा, और मैं क्या लिखूँगा, और मैं लिखूँगा एलिवेशन है वो 10 का रहेगा, और मैं क्या लिख दूँगा, और मैं लिख दूँगा कि आइकन की जो थीम है, आइकन थीम, आइकन डेटा थीम, ठीक है, इसमें वो लेगा हम लोग उसे कलर, कलर डॉट वाइट रहेगा, और हम लोग लिख देते हैं उसकी जो साइज रहेगी वो 28 रहेगा। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मैंने सेव कर दिया लेकिन कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हम लोग को दिखा दिया। अब ये जो ऐप बार थीम है वो कहाँ पे यूज होता है, एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, फिर देखना कि हमारी जो ऐप बार है उसका डिज़ाइन किस तरह से चेंज होता है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि ऐप बार का जो कलर है, ओके, तो हम लोग ये दोनों से दो एक ही कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल स्टाइल करते हैं और टेक्स्ट स्टाइल वो लेगा और इसके अंदर कलर्स कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। यहाँ पे मतलब कि ये या तो आप बैकग्राउंड कलर ले लो या फिर कलर ले लो, वही बोल रहा था कि दोनों में से एक ही कलर आप ले सकते हो। अब अगर आप देखो हमारी ऐप बार की कलर, ऐप बार को देखो तो देखो किस तरह से वो चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने जो ऐप बार डिफाइन किया था वही ऐप बार हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग इसको क्यों डिफाइन करेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी फ्लटर को जानते होगे तो यहाँ पे जब आओगे तो ऐप बार के अंदर ही बैकग्राउंड कलर का सेक्शन आता है, ठीक है, और जितना भी चीज़ें मैंने किया था जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल यहीं पे आता है, तो हम लोग वहाँ पे थीम के अंदर क्यों ही डिफाइन करेंगे। तो इससे देखो ये फ़ायदा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐप बार बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया और इतना जो बैकग्राउंड है सेंटर टाइटल है वो खुद ब खुद आ गया, कहाँ से, वो मैंने थीम के अंदर डिफाइन करके रखा है। अब कल को आप अगर कोई दूसरा पेज बनाओ, जैसे मान लो मैंने लिखा अबाउट पेज डॉट डार्ट एस टी एल अबाउट पेज, ठीक है, और स्कैफोल्ड और इसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर सेंटर लिख देता हूँ, बॉडी के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिख देता हूँ, छोटे ज़्यादा कुछ हम लोग करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने दूसरा पेज बनाया, अब इसको मैं कॉल करवा लेता हूँ एक बार, अबाउट पेज। अब जैसे ही मैं इसके अंदर ऐप बार को यूज़ करूँगा, अब आप देखो कि हम लोग ने इसको कुछ भी स्टाइल नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल लेगा जो हमारी थीम के अंदर डिफाइन है, यानी कि हम लोग को अब टाइम बच गया कि इतना जो स्टाइलिंग है वो हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब अगर इसके अंदर टाइटल लिखोगे, टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखोगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में चला जाएगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ अबाउट टेक्स्ट अबाउट पेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर में चला जाएगा, हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको लग रहा हो कि हर ऐप बार की जो साइज है फॉन्ट की वो ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर स्टाइल लिखकर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चेंज करोगे क्या होगा कि जितना भी पेज आपने बनाया सब में जाकर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऐप बार थीम जो है थीम डेटा के अंदर जो मैंने ऐप बार डिफाइन किया था वहाँ पे आकर अगर यहाँ पे टेक्स्ट थीम को फॉन्ट साइज दे देते हो जो भी, मान लो मैं दे देता हूँ 28, अब अगर ऐप को रीस्टार्ट करोगे तो जितना भी आपने पेज बनाया है उसके अंदर जितना भी ऐप बार है उसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है टाइम सेविंग, ठीक है, आपने एक बार ऐप बार डिफाइन कर दिया, अब जितना बार भी ऐप बार बनाओगे सबका जो थीम है इस तरह से आपको मिलेगा, आपको बार बार थीम को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ। तो इस तरह से हम लोग थीम में एक ऐप बार बना लिए। अब हम लोग
और देखो एप बार के अंदर बहुत सारा अभी पैरामीटर है, तो आप एक बार चेक करना खुद से कि और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने एप बार बना लिया, अब यहाँ पे आता हूँ। अब हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो बैनर थीम है, बटन एप बार है, जो भी चीज़ को आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो वो चीज़ें सेट कर पाओगे आप यहाँ पे। अब मान लो मैं एक चीज़ को लेता हूँ जिसको इनपुट इनपुट डेकोरेशन थीम, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल, आप बहुत सारे चीज़ों को चेक कर सकते हो, लेकिन हम लोग फिलहाल इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन देखते हैं। पहले मैं जो आपको बताता हूँ कि इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे कुछ लिखने वाली चीज़ें आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका जो स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की रहती है, लेकिन अगर हम लोग मान लो कि हम लोग जैसी कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करने वाला, तो क्या होता है कि कोई भी ऐप जो होता है एक सिंपल मतलब एक नॉर्मल थीम को फॉलो करता है, जो कि उसकी ऐप को डिफाइन करता है कि हाँ ये जो ऐप है इस तरह की दिखती है। तो अगर उसमें टेक्स्ट फील्ड लिखा हुआ है तो उसको भी एक सेम थीम के ऊपर ही होना चाहिए। तो अब चलो हम लोग टेक्स्ट थीम को भी डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम लोग शो करवाएंगे। तो माई थीम में आएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आते ही डेकोरेशन और इनपुट डेकोरेशन ये लेता है। अब इनपुट डेकोरेशन लिया, अब जैसे मान लो इसके अंदर आपको कलर लगाना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फील्ड कलर, कलर्स डॉट डीप पर्पल मैंने लिख दिया, और यहाँ पे फील्ड को ट्रू करना है। तो इससे आपकी जो इनपुट डेकोरेशन है उसको कलर आपको यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे साइज बॉक्स देता हूँ थोड़ा सा ताकि ऊपर से हट जाए। तो ये हमारा देखो इनपुट डेकोरेशन इस तरह की हो गई। अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो इनपुट डेकोरेशन के अंदर ये जो फील्ड है उसकी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग को टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग ये डेकोरेशन बार बार लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो एक काम करेंगे, इसको हम लोग अपनी थीम के अंदर ही डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे थीम इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, और ये लेगा इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है क्या, कि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, और कॉमा नहीं लगाया, और अब हम लोग कॉमा लगा लिए तो ये ठीक हो गया। अब देखो ये जो डेकोरेशन ले रहा है इसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फील्ड कलर, और यहाँ पे मैं डालता हूँ कलर, और डीप पर्पल डॉट सेड में डालता हूँ 200 का, फील्ड को ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और फिर बॉर्डर जो हमारा है बॉर्डर को आउटलाइन बॉर्डर, और यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर सिर्फ लिखेंगे, और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमारा क्या लगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, मैं यहाँ पे 20 का बॉर्डर रेडियस भी डाल लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और डाल सकते हैं। ओके, तो इतना ही चीज़ मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिफ़ाइन किया मैंने अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर। यहाँ पे सब के लिए कॉमा कॉमा भी लगा देते हैं, और यहाँ पे रिफैक्टर फिर से। तो ये चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर लिया। अब देखो अगर हमारी जो ये टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसको मैं रीस्टार्ट करूँ ऐप को, तो अब देखना कि हमारी जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो किस टाइप की दिखती है। देखो हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कुछ इस तरह की हो गई, आपको सटा सटा हुआ दिख रहा होगा, तो मैं कॉलम को पैडिंग से रैप करता हूँ जिससे आपको अब सही से दिखेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आप जितना बार भी अपनी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाओगे आप, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको भी एक बार नीचे करता हूँ, 10 का इसको हाइट देता हूँ। अब आप जितना बार भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाओगे तो आपको सब में इस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर नहीं करना पड़ेगा, उसको बॉर्डर नहीं करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस नहीं डालना पड़ेगा। यानी कि एक बार आपने थीम के अंदर थीम डिफाइन कर दिया,
उसके बाद आप वो चीज़ें जब यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वो वाली स्टाइल आप में आ जाएगा। हम लोग अब इनपुट डेकोरेशन भी देख लें। अब अगर आपको कुछ और दिखाने के लिए मैं बोलूं तो यहाँ पे एक चीज़ और बचा हुआ है जो है हमारा कलर स्कीम। तो यहाँ पे देखो मैंने एप बार थीम बता दिया, इनपुट डेकोरेशन बता दिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से सर्च करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप जब भी यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो जितना भी थीम आपको दिख रहा है वो सारी आप चाहो तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, और वही चीज़ें डिफाइन करना जो लगे कि आपकी जो ऐप है उसमें बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ मैं, तो वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर देना। वो चीज़ मत ज़्यादा थीम में डिफाइन करना जो कि आपको ऐसी ऐप है जिसमें सिर्फ आप वो एक ही बार यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप वहीं पे जहाँ पे यूज़ करेंगे वहीं पर डिफाइन कर लेना। यहाँ पे आएंगे, मैं लिखूँगा कलर स्कीम, और यहाँ पे कलर स्कीम और डॉट लाइट लिख देते हैं। जैसे मैंने कलर स्कीम डॉट लाइट लिखा तो इसमें आपको मिलेगा आपको मिलेगा बैकग्राउंड या फिर ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस यहाँ पे भी डाल सकते हो, ब्राइटनेस डॉट लाइट, क्योंकि ये लाइट थीम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ब्राइटनेस डॉट लाइट। और यहाँ से मैं ब्राइटनेस को हटा दूँगा। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दोगे वही हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर शो करेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कलर्स डॉट डीप पर्पल डॉट शेडर 100 का, ठीक है। और ऑन बैकग्राउंड जो होता है, अगर मान लो कि हमारी ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर कुछ मैंने लिखा टेक्स्ट, तो उसकी कलर कैसा होना चाहिए, तो उसको कलर मैंने ब्लैक डाल दिया। ऑन जब भी हो तो जैसे कि बैकग्राउंड बोले तो बैकग्राउंड का कलर ये है, और ऑन मतलब उसके ऊपर जब कुछ चीज़ लिखाएगा तो उसका कलर कैसा होगा। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी जो होगा वो मेरा होगा कलर डॉट डीप पर्पल होगा हमारा, और ऑन प्राइमरी भी यहाँ पे शो करेगा। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइमरी कंटेनर, कंटेनर बोले तो आपकी आप जो यहाँ पे कंटेनर बनाओगे उसकी कलर कैसी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंटेनर का जो कलर है डीप पर्पल, और इसका शेड मैं 300 का देता हूँ, ठीक है। ऑन प्राइमरी कंटेनर यानी कि जब कंटेनर के ऊपर कुछ लिखोगे तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो उसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। ये चीज़ें मैंने डिफाइन कर दिया। अब अगर एक बार ऐप को रिस्टार्ट करूँ मैं, तब आपको अब देखने को मिलेगा कि हमारी जो बैकग्राउंड है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसके हिसाब से चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊँ, एक मिनट मैं कंटेनर बनाता हूँ अबाउट पेज, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंटेनर, और इसका हाइट मैं देता हूँ 300, विड्थ मैं दे देता हूँ 200। अभी देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये वाला हम लोग को थीम मतलब ये वाला कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये अपने कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और थीम के अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखा है उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीम डॉट ऑफ, और जैसे टैब दबाओगे तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा डॉट। अब थीम के अंदर आपने क्या बनाया, थीम के अंदर मैंने बनाया कलर स्कीम, तो मुझे कलर स्कीम के अंदर की कलर चाहिए, तो थीम डॉट लिखना पड़ेगा कलर स्कीम, और डॉट मुझे चाहिए प्राइमरी कंटेनर का कलर। इतना लिखकर जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग का जो कंटेनर का कलर है जैसा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था थीम के अंदर वैसा ही यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे जो भी कलर है उसको आप यूज़ कर सकते हो उसी के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे आकर कंटेनर के ऊपर मैं कुछ लिख देता हूँ जैसे चाइल्ड टेक्स्ट, और यहाँ पे दिस इज कंटेनर, मान लो कि ये जो टेक्स्ट है उसका हम लोग का स्टाइल करना उस टाइप का जिस टाइप का हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। देखो यहाँ पे भी ब्लैक है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ। अभी देखो रेड किया मैंने तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस मैंने किया वो रिफ्लेक्ट हो जाए एक बार।
अब मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे आऊँगा तो यहाँ पे भी हम लोग को कलर यूज़ करना है। तो आपको पता होगा कि जब टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल आता है, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम लोग कलर यूज कर सकते हैं। कलर के अंदर मैं ये चीज़ को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, ऑन प्राइमरी कंटेनर इस नाम से मैंने बनाया था। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो कलर है वो रेड हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक लाइट थीम को इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि सेम प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कॉपी करके पूरा डार्क थीम के अंदर भी डाल दूँगा, और यहाँ पे डार्क लिख देंगे और यहाँ पे भी डार्क लिख देंगे। अब क्या करूँगा मैं कि थोड़ा थोड़ा इसका जो मतलब कि कलर है वो सारी चीज़ें चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए आऊँ तो ये जो डीप पर्पल है, पर्पल है इसका कलर, मैं वैसे ही रहने देता, ऐप बार का कलर वैसे ही रहने देंगे और फिल का कलर भी वैसे ही रहने, लेकिन खाली सिर्फ मैं बैकग्राउंड का कलर चाहता हूँ चेंज करना। तो बैकग्राउंड का कलर इस तरह का रख दूंगा मैं, और ऑन बैकग्राउंड का कलर मैं वाइट रख दूंगा। प्राइमरी कलर इसमें मैं कैसा कर दूंगा, प्राइमरी कलर मैं कर दूंगा इधर, एक सेकंड, प्राइमरी कलर में इधर से कोई इस टाइप की कलर ले लूँगा, और कंटेनर की जो कलर है वो मैं इस टाइप का कर देता हूँ, और जो ऑन कंटेनर का कलर है उसको मैं इस बार एक सेकंड उसको मैं इस बार ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार ओके, कोई बात नहीं, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारी दोनों अलग अलग थीम डिफाइन हो गए, तो एक बार इसको भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब देखना कि जैसे मैं थीम चेंज करूँगा तो क्या हम लोग के पास डिफरेंस आती है। तो चलते हैं मेन फाइल के अंदर, और यहाँ पे भी लाइट थीम है तो यहाँ पे मैं करूँगा डार्क थीम। डार्क थीम सेव करूँगा, जैसी वैसे ही देखो कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया। लेकिन जब मैंने ऐप बार बनाया था, जो ऐप बार मैंने डार्क थीम के अंदर बनाया था उसी तरह करा गया, और यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर दिया था रेड से, तो वो ग्रीन हो गया। अगर मैं फिर से लाइट थीम के ऊपर आ जाऊँ तो देखो हमारी ऐप की थीम इस तरह से चेंज हो रहा। थीम कैसे चेंज करेंगे, एक बटन पर क्लिक करके, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग थीम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको थीम के इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कि हम लोग थीम को कैसे यूज़ करते हैं और थीम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और बताना कि क्या आपको थीम के अंदर अभी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।